हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी फ्रॉम होम, आ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय कालामागन पब्लिक स्कूल वृंदावन। इन दिस प्रोग्राम वी प्रोवाइड यू वर्चुअल क्लासेस डायरेक्टली टू योर होम। एज यू हैव ऑलरेडी नो, द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 पेंडेमिक, स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2019। सिंस देन आवर लाइफ हैज बीन चेंज्ड, बट वील हैव टू कंटिन्यू आवर लाइफ। कंटिन्यूटी इज द मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। So it is my humble request to everyone, make continuity in your life and just keep studying, because the boards are not going to cancel next year. जो अब तक स्टूडेंट्स अब तक केयरफुल नहीं है, प्लीज केयरफुल होइए। सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, कहीं भी कहीं से भी पढ़िए, किसी भी सोर्स से पढ़िए, बट पढ़िए जरूर। और जितनी भी क्वेरीज सेशन हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होइए, जिससे कि हम लोग मोटिवेटेड हों। चलिए, अब तक 12th स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडीज में हमने 7 चैप्टर्स फिनिश किए हैं। अब 7 चैप्टर्स सारे के सारे मैनेजमेंट पे बेस्ड। वी लर्न अबाउट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इफ आई विल बी टेकिंग एग्जांपल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की बिगनिंग होती है प्लानिंग से। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की बिगनिंग होती है प्लानिंग से। प्लानिंग स्टेज में हम क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ हैं और हमको कहाँ जाना है, मींस वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। यानी कि वी डिसाइड ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टू प्लान एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। आफ्टर द प्लानिंग वी गो टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। In this, we take care for the organizing of the resources and other activities for the smooth conduction of business. After organizing, we need the effective and efficient human resources. For that is the process of staffing. We have now the effective and efficient staff. After that, we direct that staff towards the organizational objectives. Ab, हमने प्लानिंग से शुरू किया, हमने ऑर्गेनाइज किया, हमने ह्यूमन रिसोर्स हायर किए। आफ्टर दैट वी डायरेक्टेड दोज ह्यूमन रिसोर्स टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नाउ इट इज टाइम टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दीज फंक्शन। हमारे पास जो स्टाफ था उसने प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट किया, हमने स्टाफ को डायरेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, हम इस स्टाफ की, इन सब की प्रोडक्टिविटी को हम क्या करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे। इवेल्यूएट हम कैसे करेंगे, इनके इवैल्यूएशन का एक प्रोसेस है। हमने जब प्लानिंग मेथड पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए थे। तो स्टैंडर्ड्स जो हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे, और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के कंपैरिजन के इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, कंट्रोलिंग। ठीक है, हमने प्लानिंग दिया, हमने ऑर्गेनाइजिंग दिया, स्टाफिंग दिया, डायरेक्टिंग दिया, हमने यहां तक के जितना भी हमारा आउटकम निकल के आएगा डायरेक्टिंग प्रोसेस के बाद, उस आउटकम को हम इवेल्यूएट करेंगे, और इवेल्यूएशन का प्रोसेस है आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, और इवेल्यूएट में हम क्या करते हैं, इवेल्यूएट हम करते हैं क्या, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, किसके साथ इवेल्यूएट करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ हम इवेल्यूएट करते हैं। और अगर कोई डेविएशन निकल के आता है, डेविएशन यानी कि डिफरेंस निकल के आता है, आप सपोज कीजिए आपका जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है आपका 500 यूनिट का है, लेकिन आप प्रोडक्शन कर पा रहे हैं 400 यूनिट का, तो जो 100 यूनिट का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है ना, आप यहाँ पे इवेल्यूएट करेंगे कंट्रोलिंग में। और Not only you will just evaluate the deviation, but you will also take care of the what to do for this amount of deviation. And difference जो हमारा positive या negative निकल के आ रहा है, इतना बड़ा difference आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, और उस difference को किस तरह से solve किया जा सकता है। तो controlling को हम किस तरह define करेंगे, controlling is the process of evaluation of standard performance एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के इस कंपैरिजन को ही हम बोलते हैं क्या, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। एंड कंट्रोलिंग इज नॉट द एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक्चुअली सारा जो मैंने यहां साइकिल बनाया है एग्जैक्टली है क्या, ये है हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।
ये हमारे क्या है, functions of management. और controlling is not the ending process of function of management. Controlling is the process that starts with again with planning. यानी controlling management का वो function है जो उसको वापस से planning पे लाकर के खड़ा कर देता है. क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तो वहां पे आपको दोबारा प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको दोबारा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ती है, आपको इसके इवैल्यूएशन के बेसिस पे स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके बाद आप दोबारा इवैल्यूएट करते हैं, फिर प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर इसके बेसिस पे दोबारा स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग होती है, फिर आप दोबारा से इवैल्यूएट करते हैं. और ये प्रोसेस कंटिन्यू बेसिस पे, ये साइकिल जो है वो इसी डायरेक्शन में रन होता रहता है. That is the business cycle, that is the management cycle that every organization goes through. ये compulsion cycle है जिससे हर organization होके गुजर रहा है. तो the chapter we are going to start today is the controlling. And controlling का define मैंने आपको बताया कि हम controlling को किस तरीके से define करते हैं. Controlling is defined on the basis of evaluation in between standard performance and the actual performance. जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के एनालाइजेशन के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताया. तो वी आर गोइंग टू चैप्टर 8 कंट्रोलिंग. छोटा चैप्टर है, ठीक है. अब कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग का एक्चुअली बहुत गहरा रिलेशन है, लेकिन जैसा मैंने आपको दिखाया कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एंड फंक्शन नहीं है, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जहां से प्लानिंग स्टेज दोबारा से शुरू होती है. एक्चुअली बुक में इसका टॉपिक भी है, लेकिन एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन फॉर दिस ईयर दिस टॉपिक हैज बीन ओमिटेड. तो रिलेशन ऑफ कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, जो कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग का रिलेशनशिप है वो ओमिट कर दिया गया है. कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग का जो रिलेशनशिप है that has been omitted from this chapter. ठीक है, तो हमने जाना क्या कंट्रोलिंग के बारे में. कंट्रोलिंग है क्या एग्जैक्टली? प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन. और ये क्या इवेल्युएट करता है? ये इवेल्युएट करता है डेविएशन को. और डेविएशन क्या होता है आपका? डेविएशन को हम बोलते हैं डिफरेंसेस. यानी कि हमने जितना रिसोर्स लगाया उसके अकॉर्डिंग हमें आउटकम मिल रहा है नहीं मिल रहा. आउटकम मिल रहा है तो उसमें क्या बेटर किया जा सकता है, और अगर आउटकम नहीं मिल रहा है तो गलती क्या रही हमारी, ये चीज हम कैलकुलेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. अब कंट्रोलिंग के स्कोप्स की मैं बात करूं तो कंट्रोलिंग के स्कोप बहुत वाइड है. कंट्रोलिंग को हम कहीं पे स्टॉप नहीं कर सकते. कंट्रोलिंग आपका हर प्रोसेस को इफेक्ट करता है. कंट्रोलिंग आपका प्लानिंग को इफेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइजिंग को इफेक्ट करेगा, आपके स्टाफिंग को इफेक्ट करेगा, डायरेक्टिंग को इफेक्ट करेगा. बट कंट्रोलिंग के स्कोप को हम दो मेजर तरीके से समझते हैं. स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग की अगर मैं बात करूं तो उसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं हम. एक होता है स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल. स्ट्रेटेजिक में हम ये देखते हैं कि वॉट एवर द स्ट्रेटेजीज आर प्रिपेयर्ड टुवर्ड्स द मैनेजमेंट, वेदर द स्ट्रेटेजीज आर फ्रूटफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. जैसे कि हमने आउटकम निकाल के दिया, हमारा जो मंथली टारगेट था वो हमारा 100 यूनिट का था, लेकिन वो क्या रहा है, हमें जो आउटकम मिल रहा है वो हमारा 90 यूनिट का मिल रहा है. तो हमारा डेविएशन क्या है? हमारा -10 का हमारा डेविएशन है. तो उसके बाद हमने कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई की और हम दोबारा से फीडबैक के थ्रू हम उन स्ट्रेटेजीज को इवैल्यूएट करते हैं वेदर दो स्ट्रेटेजीज आर वैल्यूएबल और एप्लीकेबल और नॉट. इन स्ट्रेटेजीज का रिजल्ट हमारे लिए निकल के आ रहा है नहीं आ रहा हम इसमें देखते हैं, ठीक है. अब ऑपरेशन का मतलब क्या है? ऑपरेशनल स्कोप का मतलब यह है कि दिस एस्पेक्ट रेफर्स टू फोकस ऑन मैनेजेरियल एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे हम इसके लिए स्ट्रेटेजीज को डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे हम अदर मैनेजेरियल एक्टिविटीज को देखते हैं कि कहीं अदर मैनेजेरियल एक्टिविटीज की वजह से तो ये डेविएशन नहीं आ रहा है. तो मेजर स्कोप आपका स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल. स्ट्रेटेजिक में हम स्ट्रेटेजीज के इवैल्यूएट करते हैं और एंड ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, हम अदर मैनेजेरियल एक्टिविटीज को चेक करते हैं कि इनकी वजह से तो हमारा मिसमैच नहीं हुआ, हमारा जो डेविएशन कहीं इन दोनों पॉइंट्स की वजह से तो नहीं आ रहा है. तो ये था हमारा स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है. अब मैं बात करूं नेचर ऑफ कंट्रोलिंग की. नेचर ऑफ कंट्रोलिंग
की बात मैं करूं, जैसा कि हमारा प्रोसेस रहा है कंट्रोलिंग नेचर, सबसे पहला नेचर तो इसका यही है कि इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि जब कंट्रोलिंग की जाती है ना, हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है हम उसी की डायरेक्शन में कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है 500 यूनिट्स को स्टडी करने का, हम स्टडी कर रहे हैं 1000 यूनिट, हम उसी डायरेक्शन में काम करते हैं जिस तरफ हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपको ले जाना चाहता है। इसी वजह से इट इज सेड दैट कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बिकॉज इट वर्क्स टुवर्ड्स अ डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में ही काम करता है। पहला हमारा हो गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। उसके बाद सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन। अब परवेसिव टर्म का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, यूनिवर्सल, यानी कि कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस दैट अप्लाइज ऑन एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, वेदर इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, इन सब में हमारी कंट्रोलिंग अप्लाई हो रही है। और सिर्फ यही नहीं, हमारी लाइफ के हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, जहां पे हम एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करते हैं एंड उसके बाद खुद से सवाल करते हैं कि प्रॉब्लम क्या रही, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट डेविएशन, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट डेविएशन। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल परवेसिव फंक्शन। अब कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग आपका दो डायरेक्शंस में देखने का काम करता है। कैसे, अब सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चर करता है क्या, गारमेंट्स। अब इनका जो टारगेट है महीने में 500 गारमेंट्स का, गारमेंट के प्रोडक्शन का है, लेकिन जो एक्चुअल इनकी परफॉर्मेंस निकल के आई है वो निकल के आई है 450, तो डेविएशन कितना हो गया इनका, -40। तो यानी कि ये अगर मैनेजर है, ये कौन है, ये कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है। अब मिस्टर एक्स का काम क्या है, मिस्टर एक्स का काम ये देखने का है कि यहाँ पे क्या कमी रह गई जो हमारा डेविएशन -50 निकल के आया, और मिस्टर एक्स ये भी देखेंगे कि इस मंथ में, यानी कि मंथ ऑफ मे में तो हमारा जो डेविएशन -50 निकल के आया, लेकिन मंथ ऑफ जून में हमारा इतना डेविएशन निकल के नहीं आना चाहिए। यानी कि कंट्रोलिंग आपका सिर्फ प्रेजेंट में काम नहीं करता, कंट्रोलिंग आपका पास्ट में एंड फ्यूचर में दोनों में काम करता है। इसी वजह से हम बोलते हैं क्या, हमारा जो थर्ड नेचर है कंट्रोलिंग इज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस, यानी जो कंट्रोलिंग है वो आपका प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट एंड फ्यूचर में भी काम करता है, बिकॉज पास्ट में जो हुआ उसका एवेल्यूएशन भी करेंगे और फ्यूचर में ये मिस्टेक ना हो आप इस चीज की अश्योरिटी भी लेंगे। जो फोर्थ इसका नेचर है वो ये है, कंट्रोलिंग इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसा कि मैनेजमेंट के हर फंक्शन के लिए क्या कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो डेफिनेटली जो कंट्रोल है वो भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। हर स्टेप पे, हर लेवल पे, डे टू डे एक्टिविटीज में आपका कंट्रोलिंग चलता रहता है। ये प्रोसेस रुक नहीं सकता बिकॉज बिजनेस आपका कंटिन्यूस चल रहा है। जब तक बिजनेस एक्टिविटी आपकी कंटिन्यूशन में है तब तक कंट्रोलिंग प्रोसेस भी आपका इन द प्रोसेस फंक्शनल रहेगा, ठीक है। ये थे हमारे नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। इसके बाद हम जान लेते हैं कुछ मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपोर्टेंस की बात करूं, इंपोर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग की, सबसे पहला जो इंपोर्टेंस कंट्रोलिंग का है वो यही है कि इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोलिंग का जो मेजर जो हाइलाइटिंग पॉइंट है वो क्या है, वो इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन मींस
जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, और आपका बिजनेस पूरा इसी चीज पर लाई करता है, बिकॉज आपकी प्रॉफिट मेकिंग, आपका एग्जिस्टेंस, आपका सर्वाइवल सब आपकी परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है। आपकी परफॉर्मेंस आपका प्रॉफिट डिसाइड करती है, आपकी परफॉर्मेंस आपका लॉस डिसाइड करती है, और इसी परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। इस वजह से द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज क्या, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कंट्रोलिंग हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द रियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट डज नॉट ओनली हेल्प्स द इवैल्यूएशन बट इट ऑल्सो गिव्स द सॉल्यूशन दैट व्हाट सॉल्यूशन कुड बी गिवन फॉर टू इरेडिकेट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड टू एनहेंस द सिचुएशन, ठीक है। किस तरह से उस सिचुएशन में इंप्रूवमेंट लाए, किस तरह से उस प्रॉब्लम को खत्म किया जाए, किस तरह से उस इवैल्यूएशन को चेक किया जाए, ये सारा का सारा प्रोसेस आपका कंट्रोलिंग का पार्ट है, और इसी वजह से ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंस की बात करूं क्या है, इट ऑल्सो जज द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। देखिए मैं आपको इसके बाद बताऊंगा क्या कंट्रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है क्या, स्टैंडर्ड्स को सेट करना, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रोसेस तो यही होना चाहिए ना कि हम सबसे पहले स्टैंडर्ड को सेट करें, यानी हम ये डिसाइड करें कि हमें मंथली आउटकम कितना चाहिए। मंथली आउटकम को सेट करने के बाद ही तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो यानी कि कंट्रोलिंग में जस्ट फॉर द अजम्पशन आपके स्टैंडर्ड सेट नहीं होते, बहुत स्टडी करने के बाद, एनालाइजेशन के बाद, रिसोर्स एनालाइजेशन के बाद, ह्यूमन रिसोर्स चेक करने के बाद ही हम अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एंड उसके बाद हम उन स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को जज करते हैं कि वेदर आवर ऑर्गेनाइजेशन इज फुलफिल द एक्यूरेसी ऑफ दोज स्टैंडर्ड और नॉट, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, मेकिंग इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन की एक क्या कहूँ, चाहत होती है, ठीक है, या फिर एक विश होती है, या फिर हर ऑर्गेनाइजेशन इसी चीज पे स्ट्राइव करता है, मैक्सिमम आउटकम्स, मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम मिनिमम इनपुट, ठीक है। तो यानी कि जो कम से कम इनपुट के साथ हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सके, और यही आपका करता है कंट्रोलिंग, यानी कि ये आपके रिसोर्सेस को यूजफुल बनाता है एंड एफिशियंट बनाता है। अब कैसे बनाता है, जब आप करेंटली अपने रिसोर्सेज को इवेल्युएट करेंगे, आप रिसोर्सेज के आउटकम को इवेल्युएट करेंगे, आप उसको एनालाइज करेंगे, आप टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे चीजों को, तो डेफिनेटली आपका रिसोर्स आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। जहां भी कोई कमी है, जहां रिक्वायरमेंट है, जहां कोई भी गैप बनता है, तो वो आप तुरंत फिल कर देंगे, एंड जो पूरा इवेल्युएशन प्रोसेस है वो इसी के चारों ओर घूमता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, पास्ट में जो हुआ उन कमियों को आप प्रेजेंट में फिल करेंगे, जिससे कि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम दोबारा से रिपीट नहीं हो। यानी कि अगर आपका अभी के लिए डेविएशन -50 है, मे मंथ में आपका डेविएशन -50 है, तो आप ये चाहेंगे कि जुलाई मंथ में आपका डेविएशन -50 नहीं हो, जो डेविएशन आया है आप उस डिफरेंस को फिल अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फोर्थ हमारा जो इंपॉर्टेंस है क्या है, वो इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब कंट्रोलिंग आपका एम्प्लॉय की मोटिवेशन को फुलफिल करने का काम क्यों करता है, एवेल्यूएशन प्रोसेस है, एवेल्यूएशन प्रोसेस में आउटकम कुछ भी निकल के आ सकता है। तो अगर प्रॉब्लम एम्प्लॉय के मोटिवेशन से आ रही है, तो डेफिनेटली आप उस डायरेक्टिंग प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, आपके एम्प्लॉयज को बोनस चाहिए, आप बोनस देंगे, टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है तो आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उनको टाइम पे सैलरी मिले, उनको ट्रिप पे जाना है तो उनके लिए ट्रिप अरेंजमेंट करेंगे, यानी कि मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी हर तरह का मोटिवेशन आप उसको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो आपको आउटकम बेस्ट दें और अगली बार डेविएशन मेंटेन नहीं हो पाए। एक्चुअली सारे फंक्शन एक दूसरे पे रिलायबल होते हैं, हम किसी एक फंक्शन के बिना दूसरे फंक्शन के ऑपरेशंस को इवन कैलकुलेट भी नहीं कर सकते,
तो हर फंक्शन की अपनी वैल्यू है, सारे फंक्शन एक साथ मिलकर चलते हैं तब जाके मैनेजमेंट फंक्शन हमारा पूरा कंप्लीट होता है, तब जाके हमारा किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन तैयार होता है। अगर सारे फंक्शन एक साथ नहीं चल रहे हैं तो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन भी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, फिफ्थ इंपॉर्टेंस की बात करूं तो क्या है, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, जहां पे हम एनालाइज करते हैं, जब आपका प्रॉपर टैक्टम एनालाइजेशन होगा, जब तक उन पे तलवार लटकती रहेगी कि उनको उनका फीडबैक लिया जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है, तो डेफिनेटली आपका ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस एंड डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, क्योंकि वो लोग अपने काम के लिए सीरियस रहेंगे। अगर मैनेजमेंट इस चीज को लेकर के केयरलेस हो जाए, एवेल्यूएशन को लेकर के केयरलेस हो जाए, तो आपके एम्प्लॉयज विल नॉट बी इन सीक्वेंस, नीदर दे विल फॉलो द प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंस जो है उसकी बात करूं, इट ऑल्सो फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तो हमने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, यूनिफाई द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज बिजनेस में काम कर रहे हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज एक डायरेक्शन में काम करें। ठीक है, और ये आउटकम हमको मिलता है ओनली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज इंप्लीमेंटेड, ठीक है, एंड एवेल्युएटेड। तो ये था हमारा व्हाट इज कंट्रोलिंग, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो स्लाइड्स वी विल गो फॉर द कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड वन केस स्टडी ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं क्या कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात करूं तो कंट्रोलिंग प्रोसेस आपका मेजरली फाइव पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, जिसकी बिगनिंग होती है सेटिंग, जस्ट अ मिनट, जिसकी बिगनिंग होती है आपकी सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। आफ्टर सेटिंग ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड यू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, द सेकेंड वन, एंड आफ्टर दैट यू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, जो आपने स्टैंडर्ड्स सेट किए थे उससे आप कंपेयर करते हैं। उसके बाद आप डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, डेविएशन क्या है मैं आपको बताऊंगा, एंड उसके बाद उनको उनके लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। अब वन बाय वन करके हम समझ लेते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस को। द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इन द कंट्रोलिंग इज द सेटिंग ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जैसा मैंने आपको बताया कंट्रोलिंग एग्जैक्टली है क्या, कंट्रोलिंग आउटकम्स को कैलकुलेट करने का प्रोसेस है, जिससे जो रिजल्ट हमारा आया है बिजनेस में डायरेक्टिंग तक प्रोसेस करने के बाद, जो वर्कफोर्स हमारा प्रोडक्शन कर रही है उनकी क्वालिटी को, उनकी क्वांटिटी को, जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स आ रही हैं उनको कंट्रोल करने के प्रोसेस को ही हम कंट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोसेस यही है कि द स्टैंडर्ड्स आर सेट टू कंपेयर विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया, सपोज कीजिए स्टैंडर्ड सेट किया गया हमारा, हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि 300 यूनिट्स पर मंथ हमें एक मंथ में, कोई भी सपोज करिए कोई भी प्रोडक्शन है, सपोज कीजिए एक कंपनी है वो शर्ट्स बनाती है, ठीक है, उनका टारगेट ये है कि मंथ के एंड तक बाय द मंथ उनके 300 शर्ट्स उन्हें प्रोड्यूस करनी है। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हैं, दैट व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू मेक फॉर योर फर्म, बिकॉज यू आर गोइंग टू डायरेक्ट, यू आर गोइंग टू गाइड योर एम्प्लॉयज टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो इस वजह से सबसे पहले स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, मेजर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। And these standards not just would be in quantitative basis, but the qualitative too. Means what kind of quality that they'll have to maintain and in what quantity. यानी कि 300 shirts हैं तो किस तरह की quality में shirts maintain करनी है। ठीक है, ये सबसे पहला हमारा term है setting performance standard। यहाँ पे हम standard set कर रहे हैं, हम actual अभी तक हमको मिला नहीं है। पहले हमने ये सेट कर दिया, एक समझ लीजिए टारगेट दे दिया, टारगेट कर दे दिया कि सपोज करो तुम्हें महीने में 300 शर्ट बेचनी है या 300 शर्ट प्रोड्यूस करके देनी है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड टारगेट दे दिया। उसके बाद टारगेट देने के बाद अब जो हमारी वर्कर हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। ठीक है, क्या जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, अब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में टारगेट दिया था हमने 300 शर्ट प्रोड्यूस करने का, एंड जो हमारा आउटकम निकल के आया वो निकल के आया 290 आया, 305 आया, ठीक है, 285 आया, तो ये हमारा आउटकम निकल के आया। अब
उस आउटकम को हम मेजर करेंगे और उसके बाद हम इस पर काम करेंगे। अब मेजर कैसे करेंगे, हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम रैंडमली सैंपल चेक कर लेंगे, डेटा चेक कर लेंगे, हम रेशियो को एनालाइज करेंगे कि जो हमारा 300 एंड 290 का क्या रेशियो बैठ रहा है, यानी कि मैंने जो प्रोडक्शन दिया था, जितना मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वेदर द स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड और नॉट। तो ये सारी चीज़ें हम सेकेंड स्टेप में फॉलो करते हैं, पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से। ठीक है, यानी कि जो हम सपोज कीजिए हमारा स्टैंडर्ड था 300, स्टैंडर्ड प्रोड्यूस हुई हमारी 290। ठीक है, तो कंपैरिजन विल टेल अस द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड। और ये जो कंपैरिजन है ये हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड के बीच का डिफरेंस निकाल के दे देगा। और यहीं पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो जो डिफरेंस निकल के आया है एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। इसी को हम बोलते हैं क्या, डेविएशन। एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच का डिफरेंस को हम बोलते हैं क्या, डेविएशन। तो डेविएशन का आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, डेविएशन एग्जैक्टली है क्या। डेविएशन रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एंड द डेविएशन वी कैन क्लासिफाई इन टू फर्दर टू टाइप्स, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपने 300 यूनिट्स का टारगेट दिया और जो आपका वर्कर है उसने बना के दे दी आपको 305 शर्ट्स। ठीक है, तो इस केस में आपका जो डेविएशन, मैंने क्या बोला था, 300 शर्ट्स का आपका टारगेट था और आपके वर्कर ने आपको बना कर दी 305 शर्ट्स, तो यहाँ पे आपका जो डेविएशन हो गया वो क्या हो गया, प्लस 5 हो गया, तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन हो गया। लेकिन अगर इसी केस को मैं बोल दूँ कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था, आपने स्टैंडर्ड सेट किया था 300 का और जो वर्कर है वो आपको मंथ में शर्ट बना के दे रहा है 280, तो यहाँ पे जो आपका डेविएशन हो गया वो माइनस, वो क्या हो गया आपका, माइनस 20। ठीक है, माइनस 20। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो सबसे पहला हमने स्टैंडर्ड सेट किया, फिर हमने मेजर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को, फिर हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड मेजर परफॉर्मेंस को कंपेयर किया, उसके बाद क्या हुआ, हम डेविएशंस को एनालाइज करेंगे। देखिए मैंने आपको डेविएशन बताया कि डेविएशन को एनालाइज किस तरह से किया जाता है, डेविएशन एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो फाइंडिंग द एक्सटेंट डेविएशन एंड कॉज ऑफ डेविएशन, हम ये फाइंड करते हैं कि डेविएशन का कॉज क्या है एंड क्या न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारे पास डेविएशन आ रहा है। ठीक है, और डेविएशन का ऑब्जर्वेशन है वो दो तरीके से किया जाता है, पहला क्रिटिकल पाथ कंट्रोल एंड दूसरा आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो देखते हैं व्हाट इज़ द टू मेथड ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन। तो सबसे पहला जो मेथड है डेविएशन को एनालाइज करने का वो है आपका क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। अब क्रिटिकल पाथ कंट्रोल का क्या मतलब है, ठीक है, KRA यानी कि की रिजल्ट एरिया विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस, यानी कि जो जब डेविएशन को हम एनालाइज करेंगे तो जो फोकस है हमारा वो की रिलेटेड एरिया पे होना चाहिए, यानी कि ऐसी चीज़ें जो बिजनेस के हैंड में। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक सिचुएशन बन गई, क्या आप शर्ट बनाते हैं, ठीक है, जो कपड़ा है वो आपका 5 रुपये महंगा हो गया जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन अब इफेक्ट होगा, लेकिन आप जो कपड़े का जो पोस्ट करते हैं आपका कपड़ा इंडिया के बाहर बेचते हैं, ठीक है, और पोस्ट के रेट है वो 20 रुपीज़ बढ़ गए, तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो ध्यान है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो किस एरिया में रहेगा, हमारा कंसंट्रेशन रहेगा की रिजल्ट एरिया में, यानी कि जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं। ठीक है, हम जो हमारा प्राइस बढ़ रहा है, जो हमारा कपड़े के रेट बढ़ने की वजह से जो प्राइस बढ़ रहा है, हमारा ध्यान उस पर रहना चाहिए, क्योंकि पोस्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कपड़े के बढ़ते हुए प्राइस पे तो कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन महंगा हो रहा है उस पर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम पोस्टल डिपार्टमेंट का जो रेट बढ़ रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल, यानी कि जब आप डेविएशन को एनालाइज करते हैं और तो आपको डिफरेंस मिलता है, तो उसके लिए हम जो स्टेप उठाते हैं या मेथड जो यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम क्रिटिकल पाथ कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो की रिलेटेड एरिया है, यानी जो हमारा मेजर सेंट्रल ऑफ फोकस है, हम उस सेंटर ऑफ फोकस को सबसे पहले कंट्रोल करेंगे जो कि हमारे हैंड में है, ना कि उन चीज़ों को जो हमारे हैंड में नहीं है।
ठीक है, तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में बेयर लॉस इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट द क्रिटिकल पॉइंट्स। यानी कि देखिए, प्रोडक्शन का जो रेट बढ़ रहा है आपको उससे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रोडक्शन का रेट बढ़ गया वो आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। पोस्ट का तो ऐसा है कि रेयरली बढ़ता है, कभी बढ़ा फिर कम हो गया मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो क्रिटिकल पाथ कंट्रोल करने का मतलब की रिजल्ट एरिया को कंट्रोल करना, उन पर कंसंट्रेट करना, ठीक है। इसके बाद सेकंड, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन टर्म का मतलब क्या है, एक्सेप्शन का मतलब है यहाँ पे एग्जेम्प्ट करना, यानी मैनेजर सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकता। मैनेजर शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, ओनली मेजर एक्टिविटी शुड बी चेकड आउट। यानी कि पहले पॉइंट का ही डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं कहूँगा ये है कि वहाँ पे हम क्रिटिकल पाथ पे ध्यान दे रहे थे, और मैनेजमेंट की यही ड्यूटी होती है कि सारी चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करने जाओगे, आप सोचो मैं पोस्टल डिपार्टमेंट के प्राइसेस को भी कंट्रोल कर लूँ, आप सोचो मैं मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस को भी कंट्रोल कर लूँ, देन यू विल एंड अप कंट्रोल नथिंग। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि इफ द मैनेजर ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग देन दे विल एंड अप कंट्रोल नथिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम डेविएशन को एनालाइज करते हैं, हम क्रिटिकल पाथ कंट्रोल करते हैं, हम की रिजल्ट एरिया पर फोकस करते हैं, और हम कुछ चीज़ों को एग्जेम्प्ट करते हुए चलते हैं, यानी कि छोड़ते हुए चलते हैं। डेविएशन को एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, ठीक है। अब करेक्टिव एक्शन क्या है, यानी कि हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। देखो, माइनर डेविएशन है 5-10 यूनिट का या जितना भी आपने सेट कर रखा हो वो इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डेविएशन मेजर हो गया, यानी आपके जो सेट डेविएशन है उससे ज़्यादा हो गया, तो आप तुरंत एक्शन लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, अंडर प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, एडिंग मोर वर्कर्स एंड मशीन, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। देखिए, यानी कि हम डेविएशन को देखते हैं कि डेविएशन क्यों हो रहा है, मेजर डेविएशन क्यों हो रहा है, और उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट आएगी हम उसकी एक फीडबैक रिपोर्ट बना के रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को भेजेंगे, ठीक है। एक पूरा फीडबैक तैयार, इसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस फीडबैक का होता है जो आपकी बुक में गिवन है, वो फीडबैक तैयार करके पूरे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को भेजा जाता है। जैसे कि डायरेक्शन सही नहीं आ रहा, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, स्टाफ कम है, स्टाफ ओवरबर्डन है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कहीं कुछ रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ये इस तरह से सारे फंक्शन कंट्रोलिंग में इंडल्ज रहते हैं और ये फीडबैक रिपोर्ट जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए हमने जो देखा था अभी डेविएशन को एनालाइज करने के लिए, उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं मैं आपको एक बार बता दूं कि इससे क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का टाइम एंड एफर्ट बढ़ जाएगा। इट सेव द टाइम एंड एफर्ट ऑफ मैनेजर एज दे डील विद ओनली मेजर डेविएशन। हम माइनर डेविएशन को ऑलरेडी एग्जाम करते हुए चल रहे हैं, तो आपका टाइम और एफर्ट बचेगा, यानी कि रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा आपका। और इट आइडेंटिफाइज अ क्रिटिकल प्रॉब्लम, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है बिजनेस की वो आइडेंटिफाई की जाएंगी, ठीक है, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन राइट ट्रैक पर रहेगा, ठीक है। और इट विल ऑल्सो प्रमोट द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इंक्रीज मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय। जब आप डेविएशन को एनालाइज करेंगे, तो आप डेफिनेटली अपने एम्प्लॉय पे बिलीव करेंगे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी देंगे, जिससे उनका मोरल है वो हाई होगा, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। लास्ट में एक देख लेते हैं इसकी कुछ केस स्टडीज, क्या कहती हैं इसकी केस स्टडीज। दो MCQs हैं हमारे पास और एक केस स्टडी देख लेते हैं। राकेश इज अ सीनियर मैनेजर इन अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी फर्म। ही रेगुलरली प्रिपेयर्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स एज पार्ट ऑफ द अप्रेजल। द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस इज, यहाँ पे जो स्टेप प्रोसेस लिया जा रहा है वो है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। रिपोर्ट से वो उनकी परफॉर्मेंस मेजर कर रहा है। सेकेंड, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर, इसको काट दीजिए, बिकॉज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का जो डिफरेंस है, एक्चुअली इस टॉपिक में केवल कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट, कंट्रोलिंग के फीचर, कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस और उसके अलावा कंट्रोलिंग प्रोसेस और जो डिफरेंस और जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशन है वो सब इसमें से हटा दिया गया है, ओमिटेड पार्ट है वो। एक केस स्टडी देख लेते हैं। यू आर अ मैनेजर इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट इज़ रिपोर्टेड दैट पोस्टल एक्सपेंसेज हैव इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज इंक्रीज बाय 2%। विच ऑफ द टू डेविएशन इज मोर क्रिटिकल टू यू,
इट इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। देखिए यहाँ पे इस केस में क्या है, अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था, पोस्टल डिपार्टमेंट का एक्सपेंस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम क्रिटिकल एरिया थिंकिंग करेंगे, यानी कि हमारा जो फोकस होगा वो केवल केवल की रिलेटेड एरिया में रहेगा, और जो की रिलेटेड एरिया जो है वो हमारा है वो है रॉ मटेरियल का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है 2% से, बिकॉज ये 2% आपके बिजनेस के प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग यूज्ड हियर इज द क्रिटिकल एरिया थिंकिंग। ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस केस स्टडी। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। ठीक है, आपका सिलेबस हाफ फेली तक का कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ एंड द प्रीवियस ए क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम स्टे सेफ।